हम बात कर रहे हैं नायका की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको फ्लैट ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, छोटी मोटे अपसाइड इसमें फ़िलहाल हमको नज़र आ रहे हैं। स्टॉक ने 160 का लेवल एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 160 के लेवल को ब्रेकआउट दे गया तो वैसे कंडीशन में हमको 80 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्रेकआउट होगा इसलिए कहा गया था कि कंटिन्यू स्टॉक इसी रेंज में हमको सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा था, यहाँ बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा था। उस बेस पर कहा गया था कि स्टॉक 160 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है और हमको 180 तक के भी शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 177 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है और अब इस रेंज में सस्टेन हो रहा है, यहाँ हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा। यहाँ से हमको और अपसाइड इसमें देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, छोटा मोटा करेक्शन हमको दिखा रहा है। 168 का लेवल है, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। 168 का लेवल इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नीचे के लेवल 164 का, ये नीचे का लेवल इसका सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, सेकंड सपोर्ट का 164 का लेवल। और अगर बात की जाए तगड़े सपोर्ट की तो 160 का लेवल है इसके एक तगड़े और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। इसको ब्रेक डाउन करना स्टॉक मुश्किल नज़र आ रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट है। अब हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो, 174 का लेवल। और 174 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो 180 का लेवल सेकंड टारगेट। 180 के लेवल को अगर ब्रेकआउट कर गया तो ऐसे कंडीशन में हमको 190 से लेकर 200 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं और ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं, यहाँ होल्ड करके चला जा सकता है।